यूपी में चुनाव से पहले अखिलेश कैबिनेट में आखिरी फेरबदल, निकाले गए मंत्री गायत्री प्रजापति की होगी वापसी, बदलाव में दिख सकता है चाचा भतीजे की जंग का असर। यूएन महासभा के मंच से पाकिस्तान को कड़ा संदेश देंगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, यूएन के 71वें सेशन को करेंगी संबोधित, विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर भी रहेंगे मौजूद। उरी हमले की वजह से रद्द हो सकता है सिंधु जल समझौता, पीएम नरेंद्र मोदी ने बुलाई समीक्षा बैठक, 56 साल पहले हुआ था भारत पाक के बीच सिंधु जल समझौता। कोझिकोड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 100वीं जयंती पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी, कहा मुसलमानों को ना समझें वोट की मंडी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर साधा निशाना, कोझिकोड में दिए मोदी के भाषण को बताया फालतू, जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। टीएसपी प्रमुख मायावती का केंद्र सरकार पर हमला, कहा खुद को धोखा देना है केंद्र सरकार से कोई उम्मीद रखना, नए नहीं पुराने वादे पूरे करें मोदी। देवरिया से दिल्ली तक किसान यात्रा का अगला पड़ाव सहारनपुर में, 4 अक्टूबर को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे खाट सभा, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई आज, बिहार सरकार और चंद्रकेश्वर प्रसाद ने दाखिल की है याचिका। कानपुर टेस्ट में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड पर कसा शिकंजा, जीत के लिए 443 रनों के जवाब में लड़खड़ाई कीवी, 93 रनों पर गवाए 4 विकेट। भारतीयों के खिलाफ ट्वीट करने वाले पाक एक्टर मार्क अनवर की नौकरी से छुट्टी, ब्रिटिश टीवी शो पर शरीफ नाजिर की भूमिका निभाते थे, वीडियो बनाकर मांगी माफी।